आज हम मेटालिक ऑक्साइड्स की एसिड के साथ और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की बेस के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। अगर हम मेटल ऑक्साइड में एसिड यानी अम्ल मिला दें तो क्या होगा? हम एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसे हिलाते हुए धीरे धीरे उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं। हम देखेंगे कि उस घोल का रंग बदलकर नीला हरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। यानी एक अम्ल ने मेटल ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न कर दिया। क्योंकि ये अभिक्रिया एसिड और बेस के बीच होने वाली अभिक्रिया के जैसे ही है, जिनमें अभिक्रिया होने पर लवण और जल मुक्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। जबकि दूसरी तरफ बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं। याद रखिए, जब हमने CO2 को चूने के पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से गुजारा था तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप मिला था। इसको इस रासायनिक अभिक्रिया से दर्शाते हैं, CO2 प्लस CaOH2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। यानी एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड ने बेस से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न किया। क्योंकि यह अभिक्रिया एसिड और बेस के बीच होने वाली अभिक्रिया के जैसी ही है, जिनमें अभिक्रिया होने पर लवण और जल मुक्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। आज एसिड और बेस के बारे में जो जाना उसे दोहरा लेते हैं। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल मुक्त होता है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, इसलिए हम कह सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल पैदा होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, इसलिए हम कह सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। अभी के लिए इतना ही।